बीए पाठ तृतीय के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान सहाचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था प्लेटो का उप आदर्श राज्य लॉस। प्लेटो का उप आदर्श राज्य लॉस, प्लेटो सब आइडियल स्टेट लॉस। इसमें जो हम कर रहे थे, तो इसमें जो हमारा विषय था वो था प्लेटो के उप आदर्श राज्य की प्रमुख व्यवस्थाएं या सिद्धांत, प्लेटो के उप आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषताएं एवं सिद्धांत। मैंने आपको बताया था ये नौ प्रकार के बिंदुओं में विभाजित है, नौ प्रकार के बिंदु हैं जिसमें ये विभाजित है। इसमें से हमने तीन प्रकार के बिंदु कर लिए थे, तीन प्रकार हमने कर लिए थे, तीन प्रकार के बिंदु या व्यवस्थाएं हमने कर ली थी, जो क्या थी, जो इस प्रकार थी। पहली, उप आदर्श राज्य की भौगोलिक स्थिति, उप आदर्श राज्य की भौगोलिक स्थिति। दूसरी, उप आदर्श राज्य की आधारशिला, उप आदर्श राज्य की आधारशिला। और तीसरी, उप आदर्श राज्य में पारिवारिक जीवन, उप आदर्श राज्य में पारिवारिक जीवन। आज हम आगे की व्यवस्थाएँ एवं सिद्धांत करेंगे। तो चौथी व्यवस्था या सिद्धांत क्या आता है? चौथी व्यवस्था आती है उप आदर्श राज्य में संपत्ति की व्यवस्था, उप आदर्श राज्य में संपत्ति की व्यवस्था। लॉज में प्लेटो संपत्ति, लॉज में प्लेटो ने संपत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व को स्वीकार किया है। संपत्ति के जो व्यक्तिगत स्वामित्व है उसको स्वीकार किया है प्लेटो ने लॉज में। मतलब व्यक्ति की संपत्ति हो सकती है, व्यक्तिगत स्वामित्व को स्वीकार किया है, वो स्वामी हो सकता है व्यक्तिगत संपत्ति का को स्वीकार। परंतु प्लेटो यह भी मानता है कि संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण रहना अनिवार्य है। व्यक्तिगत स्वामित्व का तो समर्थन किया है, परंतु प्लेटो ने यह भी कहा है कि उसने यह भी माना है कि राज्य को संपत्ति पर नियंत्रण अनिवार्य रूप से रखना चाहिए, राज्य का अनिवार्य रूप से संपत्ति पर नियंत्रण होना चाहिए। राज्य में आंतरिक विग्रह ना हो, इंटरनल आंतरिक विग्रह ना हो, अंदर कोई किसी प्रकार का डिस्प्यूट ना हो, आंतरिक विग्रह ना हो, इसलिए प्लेटो ने धनिक लोगों से यह अपेक्षा की है, जो धनी हैं जिनके पास संपत्ति ज़्यादा है, धनिक लोगों से अपेक्षा की है कि वे स्वेच्छा से अपनी संपत्ति के उपयोग से वंचित को भी भागीदार बनाए। अपनी संपत्ति के उपयोग से जो वंचित है, जिसके पास संपत्ति नहीं है, उसको भी भागीदार बनाए। किससे अपेक्षा की है? धनिक लोगों से, धनवान लोगों से अपेक्षा की है प्लेटो ने कि जो संपत्ति से वंचित है उसको भी भागीदार बनाए, संपत्ति के उपयोग के लिए उसको भी भागीदार बनाए। संपत्ति के अधिकार को प्लेटो ने समाज जन्य अधिकार माना है। संपत्ति के अधिकार को प्लेटो ने क्या माना है? समाज जन्य अधिकार, ऐसा अधिकार जो समाज जन्य है। अतः समाज के हित में ही इस अधिकार का प्रयोग उचित होता है। समाज के हित में ही संपत्ति का जो अधिकार है उसका उपयोग अधिक उचित होता है। समाज के लिए संपत्ति का उपयोग समाज के लिए अधिक उपयोगी होता है, अधिक उचित या अधिक उपयोगी होता है। प्लेटो ने राज्य को सुझाव दिया है, प्लेटो राज्य को यह भी सुझाव देते हैं कि राज्य को क्या सुझाव दिया है कि संपत्ति का संचय किसी भी नागरिक को अनुचित साधन से नहीं करने देना चाहिए। कोई भी नागरिक है उसको संपत्ति का संचय अनुचित साधनों से नहीं करने देना चाहिए। अनुचित साधनों से नहीं कर सकता है वो कोई भी नागरिक संपत्ति का संचय। नागरिकों के पास, प्लेटो ने यह भी कहा है कि
नागरिकों के पास सोना चांदी नहीं रहने देना चाहिए। नागरिक जो है उनके पास सोना चांदी राज्य को नहीं रहने देना चाहिए, राज्य को सोना चांदी उनके पास नहीं रहने देना चाहिए। उसने सूदखोरी को भी घृणित बताते हुए उसका निषेध किया। प्लेटो ने जो सूदखोरी है उसको भी निषेध बताते हुए उसको भी घृणित बताते हुए उसका निषेध किया है। घृणित बताया, घृणा की है कि सूदखोरी नहीं होनी चाहिए, उसका निषेध किया है। अपने उप आदर्श राज्य में प्लेटो ने राज्य का प्रमुख आर्थिक आधार कृषि को माना है। प्लेटो ने क्या किया, प्लेटो ने अपने उप आदर्श राज्य में राज्य का जो प्रमुख आर्थिक आधार है वो कृषि को माना है। कृषि ही है जो राज्य का प्रमुख आधार है। प्लेटो भू संपत्ति के समान वितरण के पक्ष में था। प्लेटो क्या था, भू संपत्ति के समान वितरण के पक्ष में था। प्लेटो कहता था कि संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए, संपत्ति के समान वितरण के पक्ष में था। संक्षेप में यदि हम देखें तो उप आदर्श राज्य में प्लेटो इस बात के लिए बड़ा प्रयत्नशील था। उप आदर्श राज्य में प्लेटो इस बात के लिए बड़ा प्रयत्नशील था कि संपत्ति किसी भी प्रकार से अथवा किसी भी रूप में इस प्रकार का स्वरूप ग्रहण ना करे, किसी भी रूप में इस प्रकार का स्वरूप ग्रहण ना करे कि राज्य के अस्तित्व को उससे संकट पैदा हो जाए, राज्य के अस्तित्व को उससे संकट पैदा हो जाए। संक्षेप में क्या बताया, संक्षेप में उप आदर्श राज्य में संपत्ति की व्यवस्था के बारे में प्लेटो ने क्या बताया। संक्षेप में उप आदर्श राज्य में प्लेटो इस बात के लिए बड़ा प्रयत्नशील था, प्लेटो अत्यधिक प्रयत्नशील था इस बात के लिए, किस बात के लिए कि संपत्ति किसी भी प्रकार से अथवा किसी भी रूप में इस प्रकार का स्वरूप ग्रहण ना कर ले, किसी भी प्रकार से या किसी भी रूप में इस प्रकार का स्वरूप ग्रहण ना कर ले कि राज्य के अस्तित्व को ही संकट पैदा हो जाए, किसी भी रूप में इस प्रकार का रूप ना धारण कर ले कि राज्य के अस्तित्व को ही संकट पैदा हो जाए, राज्य का अस्तित्व भी संकट में आ जाए। ये था प्लेटो का उप आदर्श राज्य में संपत्ति की व्यवस्था, चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट आता उप आदर्श राज्य में शासन का स्वरूप। उप आदर्श राज्य में शासन किस प्रकार का होगा, शासन का स्वरूप। उप आदर्श राज्य में प्लेटो ने सर्वोच्चता सरकार को नहीं दी है अपितु कानून को दी है। सरकार को सर्वोच्चता नहीं दी है, सरकार से ऊपर उसने कानून को माना है। सर्वोच्चता सरकार को ना देकर कानून को देता है प्लेटो अपने उप आदर्श राज्य में। सरकार को नहीं दी है, कानून को दी है। सरकार कानून से नीचे है, सरकार कानून के अधीन है, कानून सर्वोपरि है, सर्वोच्चता कानून को दी है उसके अनुसार। प्लेटो के अनुसार सभी राजनीतिक संस्थाएं कानून के अधीन हैं। जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं सभी राजनीतिक संस्थाएं किसके अधीन है, कानून के अधीन है, कानून के अधीन रहेंगी। जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं वह राज्य की शासन प्रणाली को निम्न व्यवस्थाओं में विभाजित करता है। राज्य की शासन प्रणाली उसको निम्न व्यवस्थाओं में विभाजित करता है। तीन प्रकार की व्यवस्थाएं बताई उसमें, जिसमें उसने शासन प्रणाली को विभाजित किया है। कौन कौन सी, पहली है साधारण सभा जनरल असेंबली, दूसरी है सलाहकार बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड, और तीसरी है प्रशासनिक परिषद एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल। तीन प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, तो आप में भाई हम पहले करेंगे। पहली है साधारण सभा या जनरल असेंबली। शासन चलाने के लिए एक लोकप्रिय साधारण सभा होगी। प्लेटो कहता है कि शासन चलाने के लिए
एक लोकप्रिय साधारण सभा होगी, एक लोकप्रिय ऐसी साधारण सभा जो लोकप्रिय हो, एक लोकप्रिय साधारण सभा होगी राज्य के सभी 5040 राज्य की जनसंख्या उसने कितनी निर्धारित की थी, 5040 तो राज्य के सभी 5040 नागरिक इसके सदस्य होंगे। ये जो साधारण सभा होगी इसके सदस्य सभी 5040 नागरिक होंगे। सभा की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी। ये जो सभा होगी जनरल असेंबली साधारण सभा, इसकी बैठक एक वर्ष में कम से कम एक बार तो होगी, एक बार अवश्य होगी। इस सभा का प्रमुख कार्य राज्य की अन्य संस्थाओं के सदस्यों को चुनना होगा। और इस सदस्य इस ये जो साधारण सभा है इसका प्रमुख कार्य क्या होगा, इसका प्रमुख कार्य होगा राज्य की अन्य संस्थाओं के सदस्यों को चुनना, राज्य की जो अन्य संस्थाएं उसके सदस्यों को चुनना। तो ये था पहला साधारण सभा। दूसरा आता सलाहकार बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड। राज्य में एक सलाहकार बोर्ड भी होगा, सलाह देने वाला, सलाहकार बोर्ड मतलब सलाह देने वाला, एक सलाहकार बोर्ड भी होगा। इसके सदस्यों की संख्या 37 होगी, 37। इसके सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 37 होगी, 37। जिनका चुनाव साधारण सभा करेगी, जिनका चुनाव कौन करेगी, साधारण सभा करेगी, साधारण सभा करेगी। इन सदस्यों की आयु 50 से 70 वर्ष के बीच होगी। ये जो सदस्य है इनकी आयु कितनी होगी, 50 से 70 वर्ष के बीच होगी। इनका चुनाव तिहरी चुनाव प्रणाली, ट्रिपल बैलेट सिस्टम, तिहरी चुनाव प्रणाली जिसमें तीन प्रकार होते हैं, तिहरी चुनाव प्रणाली ट्रिपल बैटल बैलेट सिस्टम के आधार पर होगा। चुनाव किसके आधार पर होगा, ट्रिपल बैलेट सिस्टम तिहरी चुनाव प्रणाली के आधार पर होगा। इसके अनुसार ये जो ट्रिपल बैलेट सिस्टम है, तिहरी चुनाव प्रणाली, इसके अनुसार 5040 सदस्यों की लोकप्रिय साधारण सभा में, 5040 की जो लोकप्रिय साधारण सभा है उसमें से पहले 300 उम्मीदवार चुने जाएंगे, उसमें से पहले 300 उम्मीदवार चुने जाएंगे। 300 उम्मीदवार चुन लिए, 300 उम्मीदवार चुने जाएंगे, उन 300 उम्मीदवारों में से फिर 100 उम्मीदवार चुने जाएंगे, 300 उम्मीदवार के बाद 100 उम्मीदवार चुने जाएंगे, और उसके तत्पश्चात 100 में से 37 चुने जाएंगे, 37। पहले 300 में से 100 और 100 में से 37, 300 300 100 और 37 चुने जाएंगे। ये कानून के संरक्षक होंगे, क्या होंगे, ये कानून के संरक्षक, कानून को संरक्षण देने वाले कानून के संरक्षक होंगे। सलाहकार बोर्ड का कार्य होगा परामर्श देना, सलाहकार बोर्ड का प्रमुख कार्य क्या होगा, परामर्श देना। साधारण सभा का प्रमुख कार्य क्या था, अन्य संस्थाओं के सदस्यों को चुनना, और सलाहकार बोर्ड का प्रमुख कार्य क्या है, परामर्श देना। सलाहकार से मतलब ही सलाह देना, परामर्श देना, ठीक है। अब तीसरा आता है प्रशासनिक परिषद, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल। प्रशासनिक परिषद एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल राज्य में सलाहकार बोर्ड के आदेशों को क्रियान्वित रूप देने वाली एवं वास्तविक रूप से शासन करने वाली एक अन्य संस्था प्रशासनिक परिषद होगी। क्या राज्य में सलाहकार बोर्ड के, जो सलाहकार बोर्ड है दूसरा, उसके आदेशों को क्रियान्वित रूप में, क्रियान्वित रूप देने वाली या क्रियान्वित रूप में लाने वाली तथा वास्तविक रूप में शासन करने वाली एक अन्य संस्था प्रशासनिक परिषद होगी, एक अन्य संस्था प्रशासनिक परिषद होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल। इसके सदस्यों की संख्या 360 होगी, 360 सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 360 होगी। यह परिषद स्थानीय एवं बाजार की देखभाल करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति पहला काम क्या, पहला काम है
यह परिषद स्थानीय एवं बाज़ार की देखभाल करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति, देखभाल करने वाले जो अधिकारी उनकी नियुक्ति, पहला काम, कॉमा लगा के राज्य को हानि पहुंचाने वाले व्यक्तियों के मुकदमे सुनना, ऐसे व्यक्ति जो राज्य को हानि पहुंचा रहे हैं उनके मुकदमे सुनना, कॉमा लगा देना, यदि कोई कानून बदलने की आवश्यकता हो तो अपनी सहमति देना, यदि कोई कानून बदलने की आवश्यकता आ जाए तो उसमें अपनी सहमति देना इत्यादि कार्य करेगी, इत्यादि कार्य करेगी। क्या क्या कार्य हो गए? पहला कार्य हो गया स्थानीय एवं बाजार की देखभाल करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति, दूसरा राज्य को हानि पहुंचाने वाले व्यक्तियों में मुकदमे सुनना, तीसरा यदि कानून बदलने की आवश्यकता हो तो अपनी सहमति देना इत्यादि 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 कार्य करेगी। इस परिषद का कार्यकाल 20 वर्ष का होगा, 20 साल का होगा, 20 ईयर्स। इस परिषद का कार्यकाल कितना होगा? 20 साल का होगा, 20 ईयर्स। तो ये था तीसरा, प्रशासनिक परिषद, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल क्या करेगी? सलाहकार बोर्ड जो है उसके आदेशों को क्रियान्वित रूप देने वाली एवं वास्तविक शासन करने वाली एक अन्य संस्था है जिसे प्रशासनिक परिषद कहा गया है। सलाहकार बोर्ड के आदेशों को क्रियान्वित करने वाली एवं वास्तविक रूप से शासन करने वाली परिषद कौन सी है? परिषद है प्रशासनिक परिषद, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल। इसके सदस्यों की संख्या 360 होगी। इसका कार्य क्या होगा? राज्य स्थानीय एवं बाजार की देखभाल करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति, राज्य को हानि पहुंचाने वाले व्यक्तियों का मुकदमा सुनना, यदि कोई कानून बदलने की आवश्यकता हो तो उस पर अपनी सहमति देना इत्यादि। इस परिषद का कार्यकाल 20 वर्ष का होगा, 20 ईयर्स, 20 साल का होगा। ये था पांचवा पॉइंट, जिसमें तीन प्रकार के शासन को चलाने वाले तीन प्रकार के हमारे सामने व्यवस्थाएँ आई। तीन प्रकार की व्यवस्थाएँ कौन कौन थी? साधारण सभा, जनरल असेंबली, सलाहकार बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड और प्रशासनिक परिषद, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल। आगे के जो बिंदु हैं वो हम अगली कक्षा में करेंगे।